रिश्ते बिकते हैं यार, रिश्ते तो बिकते हैं, खरीदे फरोख्त, ये तो एक मार्केट है। नहीं देखो मार्केट तो है, मार्केट तो है, लेकिन मार्केट से ज्यादा किया वो ठीला लेके नहीं आता। ये रिश्ते भी को रिश्ते ले लो, रिश्ते ले लो, सस्ते सस्ते में आया था वो, पता नहीं किसकी वीडियो थी यार, हरीम फारूक। हाँ वो तो भी आई थी वो वाला जरा सिनेरियो मुझे इस ड्रामे में देख के लगा, रिश्ते बिकते हैं वो ठेले पे जो बेच रहा होता, रिश्ते ले लो, रिश्ते ले लो, इंजीनियर जो वाकई इस वक्त रियल सिचुएशन माशरे की चल रही है वो तो यही है कि रिश्ते बिक रहे। अब वो क्यों बिक रहे हैं इसकी कोई मार्केट तो है नहीं जहाँ पता चले कि रिश्ते वाकई बिक रहे नहीं बिक रहे, तो उसकी सिनेरियो प्रेजेंट इस ड्रामे ने कर दी होगी, है ये ना। क्योंकि हमने तो देखा नहीं ड्रामा, क्योंकि रिश्ते बिकने से एक और भी बात है ये कि जैसे कि आजकल के दौर जैसा चल रहा है ना कि खानदान वाले अपने वाले जैसे एक दूसरे का एक दूसरे को ना पसंद नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, रिश्तेदारियाँ टूटती जा रही हैं और ये वो बहुत से रीजन है उसके। खैर तो हम स्टार्ट करते हैं, आप देखें उसकी क्या सिनेरियो। मुझे पैसे कमाने किसी भी तरीके से, मतलब उसके लिए तरीका चाहे सही हो या गलत हो, बस मुझे पैसे से मतलब। अच्छा जी हाँ, हमारे साथ क्या कहने का, मैं कहता हूँ बहुत अफसोस हो रहा है वाकई ये देखते हुए कि जो रियलिटी दिखाई ना वाकई इससे बदतर है इस वक्त की माशरे के लिए। जैसे कि लोग जायज़ जायज़ जहाँ तक जायज़ की बात हो रही है, जायज़ में तो लोग यही समझते हैं जायज़ एक लाना है। सही बात, जहाँ तक ये बात है कि लोग रिश्ते खरीद रहे हैं, मैंने जो ये ड्रामे का कॉन्सेप्ट देखा था ना, मुश्किल से मुश्किल एक दो एपिसोड देखे थे मुझे उस वक्त, ऐसा लगा मतलब उस एपिसोड में ये देख के लगा कि जहाँ पे ये अली अब्बास है ना, अली अब्बास बेटा होता है उस उनका क्या है वो मतलब बेटा होता है, उसके बाद उनकी जो खाला होती है ना, अली अब्बास की खाला जो होती है उनकी अम्मा की बहन, तो उनकी बेटी होती है, ठीक है उनकी बेटी होती है, मेरे ख्याल से जुबाब जुबाब ही है, कौन है मेरे ख्याल से जुबाब, हाँ जुबाब, ठीक है जुबाब होती है, ठीक है उसके बाद जुबाब का और इनका रिश्ता पक्का हो जाता है, ठीक है इस ये स्टार्टिंग एपिसोड है। उसके बाद अब आप ये देखिए मतलब कॉन्सेप्ट सही, वो सही तरीके से मतलब एक रिश्ते बिकते एक टाइटल जो चल रहा है ना वो बिल्कुल मैच खा रहा है इससे, क्यों, क्योंकि इन्होंने सिनेरियो ऐसे ही बनाया। अब वो जैसे ही उसका मतलब रिश्ता पक्का होता है उसको जॉब लग जाती है अली अब्बास की, ठीक है जहाँ पे जॉब लगती है उनकी भी बॉस की एक बेटी होती है, ठीक है और जिस तरीके से अली अब्बास अपनी मतलब वहाँ पे सेटिंग बनाता है ना उन बॉस के सामने कि सर ये है सर आप जो बोलें सर बिल्कुल हाजिर हूँ और ये वो मैं तो इस तरीके से काम करता हूँ और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ और ये वो, सर ने देखा बोला यार लड़का तो बहुत अच्छा है ऐसे
दौर में ऐसा लड़का कहाँ मिलता है, ठीक है, पैसे आना शुरू। अब जो जिस तरीके से इन्होंने एपिसोड में दिखाया, इम्पॉसिबल है कि वो एक ही एपिसोड में उसके पास कार भी आ गई, गाड़ी भी आ गई, ये भी आ गई, अरे भाई तेवर ही बदल गया उसका। अच्छा, जहां वो रिश्ता पक्का हुआ था वहां फिर वो बोलने लगी कि उनकी खाला बोलने लगी, चलो यार लड़की के पास, अच्छा है भाई लड़की के नसीब का, सही बात है लड़की के नसीब का ये पैसा अगर जो भी उसको मिला, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसको लड़की को छोड़ दे, ठीक है, क्या खाला की कोई औलाद नहीं, क्या खाला की वो लड़की नहीं है या उसकी लड़की की कोई वैल्यू नहीं है कि अल्लाह किसी गरीब के घर बेटी पैदा ना कर। हाँ ठीक है, अब वो थोड़े उनकी एक ही बेटी थी, वो भी यही सोच रही थी, और बहन बहन को यार बहन का तो रिश्ता ही ऐसा है करीब का कि यार आपस का बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा करीब का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। अच्छा, अब ये होता है कि वो जब चीजें लेके आती है, वो जो प्लेट टूटती है ना, याद है वो ऐसे प्लेट ये क्वालिटी लेके आई है आपने रही। अच्छा, तो वो उस एपिसोड में वो लेके आती है शॉपिंग करके ना, तो वो खाला जैसी खड़ी होती है तो एकदम तोड़ देती है, बोलती ये क्वालिटी है, ये बात है और ये मेरी बेटी के लिए आई। अब वो बेटे और वो बेटा जो है ना, तो अब वो खाला ही देख रही होती यार पता नहीं क्या हो गया इनको कि पैसा आ गया, पता नहीं क्या हो गया। अब खाला फिर भी चुप करके सह रही होती है कि यार चलो कोई मसला नहीं, आज नहीं तो कल बेटा सुधर जाएगा, ठीक है। वो करते 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 उसके तेवर बदल जाते हैं। अब जो OST में दिखाई दे रहा है ना मुझे, ये तो आगे पूरा मतलब बहुत ज्यादा एपिसोड दिखाई दे रहे हैं, वही बात है, उसमें अली अब्बास जो है वो किसी और से शादी कर लेता है, मेरे ख्याल से सानिया होती है, सानिया है मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद और ये जो जुबाब होती है, जुबाब किसी और से शादी कर लेती है, वो भी पैसे के ऊपर मरता है, ठीक है। जुबाब पता नहीं किससे, मेरे ख्याल से इससे, हाँ असद सिद्दीकी से, असद सिद्दीकी का भी डायलॉग होता है, असद सिद्दीकी मुझे जायज ना दो पैसे दे दो बहुत ज्यादा, उसका भी डायलॉग यही था, मतलब हर कोई इस तरीके रिश्ते के मामले में हर कोई बिका हुआ है कि पैसे दे दो कुछ ना दो। भाई बताने का मकसद ये है कि इस वक्त गरीब लोग जो शादी करने के बारे में सोचते भी हैं तो वो ये शादी सोचने से पहले सोचते हैं कि यार सामने वाला, क्योंकि मैं कहता हूँ अमीर को नहीं गरीब को ज्यादा दबाती है कि भाई क्या दे रहे हैं आप, और भाई नॉर्मल बंदे के अगर पैसे हैं तो अपनी बेटी खुद ही देते जो उसके इस्तेमाल होगी, जो उसका दिल होगा, लेकिन एक डिमांड करना या फिर उसके बाप को अगर पैसे हैं तो आप उसकी लड़की नहीं ले रहे, क्यों भाई आप प्यार करते थे उससे लेकिन आप नहीं ले रहे कि उसको पैसे नहीं, तो भाई ये इस वक्त बहुत आम चल रहा है माशरे में, और इससे इस वजह पैसे की वजह से बहुत तलाक है वाकई कि शौहर के पास पहले पैसा था आप नहीं है तलाक, और उल्टा हिसाब है कि बीवी के पास पैसे नहीं है तो तलाक हो गई। अब बीवी के पास नहीं है तो इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है, क्या वहां से तुम्हारे को सारी जिंदगी बीवी के नाम पे क्या सैलरी आती है ससुर के पास से। आप ये देखे ना, देखो आजकल के दौर में लड़के के पास पैसे नहीं है, उसको कोई लड़की नहीं दे रहा, समझ में आ रहा है कि रीजन लड़के के पास नहीं है पैसे तो वो कमाए, सही बात नहीं है तो जिनसे वो लड़की मतलब जिनसे रिश्ता तय हुआ वो लोग समझे उस चीज को कि यार कोई मसला नहीं, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह की जात बड़ी है, सबसे बड़ी जात है, वो देगा कुछ ना कुछ करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो रीजन ही अलग हो रहा है, यहाँ पे तो लड़की के पास पैसे नहीं है, लड़के के पास आ गए और लड़के वाले नखरे दिखा रहे, हालांकि लड़की बकौल ड्रामे के लिहाज से बहुत इनोसेंट, बहुत समझदार, समझने वाली हर चीज़। रिश्ते वालियों के पास जाएंगे और छूटते आपको बोलेंगी आपके पास नोट कितना है, नोट कितना भाई मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए, वो आपको वो टॉप क्लास रिश्ता देंगे आप भी भाई, आप मेरी सैलरी नहीं, अब आपकी अगर दो दो शादियां भी हुई होंगी ना तब भी आपको रिश्ता मिल जाएगा, मिल जाएगा, आपके बाल, आपकी शक्ल, आपकी कलर, आपका कुछ भी, वो आपकी शक्ल देखे और आपका पैसा देखे अपनी बेटी को राजी कर देगी, नजर में तो शक्ल भी नहीं देखेगी, इससे पैसा देखेंगी, हाँ भाई लड़का है, ठीक है पैसा है, वो कोई मसला नहीं हुआ ना, रिश्ता भी क्या है, वो जैसे बोली लगाते हैं, बोली लगाई कितनी सैलरी है इस बंदे की, 1 लाख, किसकी 2 लाख, एंड की किसकी 5 लाख, लेकिन मेरी नजर में यार ये कॉन्सेप्ट बहुत ही खराब, और असल में जो बंदा उस लड़की से प्यार करता था बेचारा साहब है वो तो ऑक्शन में हिस्सा लेने भी नहीं चाहता, यहाँ पे जो लड़की, यहाँ पे तो लड़का प्यार नहीं कर रहा, यहाँ पे जो लड़की प्यार करती थी ना वो बेचारी कॉम्प्रोमाइज में मर गई, सही, मरने का मतलब है रुल रही जगह पे, वो रुल रही है, ठीक है। अब यार शादी होगी तो बच्चा भी होगा, ठीक है, बच्चा जिस तरीके से एंड में प्रेग्नेंट थी वो दोनों मेरे ख्याल से, ठीक है, अब आप उसके ऊपर जिम्मेदारी भी आ गई, वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती, ठीक है, और दोनों तरफ से वो
पिटी रही है माँ बाप से, माँ बाप की मजबूरी को देख के चुप है और मियाँ से वो पिट रही है क्योंकि मियाँ को पैसे चाहिए। बात को अगर कंक्लूड करके देखें तो हर इंसान को ये चाहिए कि भाई रिश्ते मोहब्बत और प्यार का नाम है, उसको उसी तराजू में तोला जाए, ना कि दौलत के तराजू में तोला। और आप ऐसा ना सोचें कि यार आप ये सोच रहे हैं कि यार उससे शादी होगी तो कैसे करेंगे, पैसा नहीं आएगा, ये नहीं। यार ये सब अल्लाह की कहानी, अल्लाह का करना है। अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा है कि आप शादी करो, रिस्क देने वाला मैं हूँ, सब कुछ मैं दूँ, ठीक है, तुम बस शादी करो, तुम ये इन कामों में मत पड़े रहो। ये तो और इसमें तो सामने रिश्ता पक्का भी होगा और टूट रहा है रिश्ता यार दूसरे के, मतलब जहां पे पैसा है वहां पे देख रहे हो। अब ये देखो पैसा कब तक रहेगा, और उसी क्या बोला और उस डायलॉग में क्या था, उधर अली अब्बास के ससुर ने क्या, अली अब्बास की वाइफ ने क्या बोला, यहाँ पे रिश्ते बिकते नहीं है, जायज एक लानत समझी जाती तो वो जोर से अली अब्बास चमाट मारता है, ठीक है, क्योंकि उनकी अम्मा और वो तो पैसे भी मर रहे हैं तो उनकी नजर में पैसा है। खैर हमने तो रिएक्शन देना था, तो आप लोग कैसा रिएक्शन, आप लोग उसको आगे फॉरवर्ड और जो भाई जो नसीहत देखे घटिया, और हमें हमारे पास कमेंट आए थे कि घटिया रिएक्शन है, ऐसा है, ये है, वो है, भाई डिपेंड करता है, जो ओएससी बता रहा होता हम वही बता रहे होते हैं, ठीक है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते ऐसा कि ऐसा लगे कि यार सामने वाला कि आप ड्रामा कोई और देख रहे थे और कहानी कोई और बता रहे हैं, ठीक है, जो देखते हैं वही बता रहे होते हैं। और रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हमें जो जैसा लग रहा है हम वो वैसा बता रहे हैं, और स्टार्टिंग और एंड की सिचुएशन यही थी कि जो ड्रामा बता रहा है हम वही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई गलत बता रहे हो या अमान कोई और सोच रहा हो या मैं कोई अपनी तरफ से, जिसको जैसा है ना जो कहानी है बंदा वहां से निकल ही नहीं पाया, वहां से निकल ही नहीं, हम अभी तक वही घुसे, हम अपनी वही तक उसी के अंदर सोच रहे हैं यार फंसे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है। आप इस वीडियो को आगे प्रमोट करें, और ड्रामा बहुत औसम है, और सबसे उस ड्रामे से अच्छा मुझे बहुत अच्छा सॉन्ग लग रहा है, जिस तरीके से इमोशनल चंग आता ना दर्द, और मेरे ख्याल से ये उसकी आवाज थी यार, यार बहुत अपना बहुत अच्छा सिंगर था बकार अली, नहीं यार वो बहुत बकार अली बकार अली। तो बात को इख्तिताम करते हैं, और वीडियोस पे कमेंट जरूर करिएगा हमारी, हमें बताइएगा कि कैसे लगी, और आपके साथ कोई अगर सिनेरियो हो तो आप उसे हमें शेयर जरूर करिएगा। तो इजाजत देते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।